हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल भले चंगे होंगे। दोस्तों, शाम हो चुकी है फ्रेंड्स, और यही रहता है ना, आज क्या बनाएं। तो मैंने कल रात में जो है ये मटर बॉयल कर दी थी, पीली मटर जो होती है, जिसको छोले भी बोलते हैं। तो ये होटल वाले और जो हलवाई होते हैं ना, वो यूज़ करते हैं। तो ये देखिए अच्छे से फूल चुका है, तो इसको हम बॉईल करने रख देंगे। तो जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा, तब इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसको चलते हैं बॉईल करने रख देते हैं। और इसके साथ में मैंने कट किए हैं ये आलू, धुल करके अच्छे से साफ़ करके रह गया, तो इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे हम। वैसे तो वॉश कर लिया है काटने से पहले, लेकिन एक बार और वॉश कर लेंगे इसको, और मटर को एक साथ बॉईल करने रख देंगे। तो एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, इसमें डाल देंगे हम आलू और डाल देंगे इसमें ये मटर हम, और डाल देंगे पानी। और लगा देंगे इसमें 3 सीटियाँ। चढ़ा देते हैं सिमाच पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू हमारे अच्छे से पक गए हैं, तो मैं आलू निकाल देती हूँ। मैंने इसमें 1 सीटी लगाई है, और आलू को निकाल लेते हैं इससे वैसे। तो मटर में अभी हमें और सीटियाँ लगानी पड़ेंगी, क्योंकि मटर गलने में टाइम लगता है। इन आलुओं को हम निकाल लेते हैं। मटर हमारी देखिए क्या हाल है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए फूल चुकी है, ये देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको भी। इसमें हम 3 सीटी लगा देंगे, ताकि ये अच्छे से गल जाए और मुझे नुकसान ना करे, पेट में दर्द ना हो। फिर वो हमारे अच्छे से पक गए हैं। इसमें मैं डाल देती हूँ, ग्राइंड कर देती हूँ मसालों को। तो मैं इसमें देखिए प्याज लिया है, और कुछ खड़े मसाले भी हैं, प्याज है, टमाटर है, और डाल देंगे 2 हरी मिर्च, और ये इतना टुकड़ा अदरक का। तो अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे हम इस मसाले को। चलिए सब्जी में छौंक लगा देते हैं। मसाला भी हमारा पीस चुका है, ये देखिए अच्छे से। गर्म हो जाएगा, एक कड़ी पत्ता, हींग, जीरा, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, और डाल देंगे इसमें हम ग्रेवी, जो मैंने मसाले तैयार किए हैं, टमाटर, प्याज, अदरक और हरी मिर्च का। इसको अच्छे से भूनेंगे सिम आंच पे, जब तक कि तेल सेपरेट नहीं हो जाता है और मसाले हमारे अच्छे से कुक नहीं हो जाते, क्योंकि मैंने इसमें ऑनियन डाला है। इस मसाले प्याज की महक आएगी, इसलिए अच्छे से पकाना भी है हमें। तो ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से कुक हो रहे हैं, तेल सेपरेट होने तक पकाएंगे इसको हम। इसमें डाल देते हैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको अच्छे से भूनेंगे हम सिम आंच पे। तो देख रहे हैं तेल सेपरेट होने लगा है, चुका है। इसमें ऐड डाल देंगे आलूओं को, मिक्स कर देंगे हम। आलूओं को पहले डाला है, ताकि इसका फ्लेवर आ जाए मसालों का। मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, आलू भी अच्छे से फ्लेवर हो गए हैं इसमें। तो अब इसमें हम डाल देंगे ये मटर, अब इसमें लगाएंगे हम सिर्फ और सिर्फ 1 सीटी, क्योंकि ये हमारा सब कुक हुआ हुआ है। अब 1 सीटी लगानी है इसमें, बस कम्प्लीटली तैयार है। ये ढाबा स्टाइल जो छोले बनते हैं ना पीले वाले, मैं उसी तरह से बनाई हूँ, जो खस्ते के साथ पूड़ियों के साथ लोग देते हैं स्टेट स्टाइल में।
तो ये देखिए हमारी लाजवाब सी सब्ज़ी तैयार है। देखिए कैसी लग रही है ना, बहुत अच्छी लग रही है, महक भी बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल जैसे छोले पूरी के साथ और उसके साथ देखते हैं खस्ते के साथ सेम वही लग रही है, बिल्कुल स्वाद भी बहुत ऐसे ही महक आ रही है बिल्कुल। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका कोई चार्ज नहीं पड़ता है। तो फाइनल टच के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी, क्योंकि धनिया पत्ती है नहीं मेरे तो पास, कस्तूरी मेथी डाल दी है। और ये देखिए कितनी सुंदर सी सब्जी बनी है, आपको रेसिपी पसंद आएगी। चलिए आज का ये वीडियो आपको यूज़फुल और इंजॉयबल लगेगा, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आ जाइए, प्लेटिंग हो चुकी है, तो गर्मा गर्म रोटियां हैं और राइस है, और ये बनाई है मैंने मटर छोले स्ट्रीट स्टाइल। तो रेसिपी पसंद आई होगी, तो चलिए हम खाना देकर आते हैं पापा जी को। और यहाँ पे बच्चे बैठ चुके हैं खाने के लिए, उन लोग को भी खाना देते हैं। तो आ जाइए सभी लोग, खाना खा लीजिए। आप वो भेज दो हीटर लगा लें 10 मिनट। हीटर हीटर हाँ। तो यहाँ पे ये लोग भी बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, तो आप लोग भी आ जाइए, देखते हैं कैसी बनी है सब्जी, इन लोगों को कैसी लगती है। बच्चों को पसंद आ गई तो समझ लीजिए सबको आ गई, अच्छी बनी है पूरी अच्छी। चलिए लेते हैं विदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अरे वाह, तो ये पेन करेंगे, मिलते हैं आप सबसे अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसी के साथ मिलेंगे।